हेलो फ्रेंड, आपका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो आज हम जो थ्योरम करने जा रहे हैं वो है कन्वर्स ऑफ बीपीडी, मतलब थेल्स प्रमेय का विलोम। तो थेल्स प्रमेय जो है हमने लास्ट वीडियो में कर ली थी, तो आज जो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके कन्वर्स की करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट में क्या ये हमें कहता है। तो कहता है इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मतलब कहता है कि अगर कोई भी रेखा, कोई भी एक त्रिभुज की रेखा किन्हीं दो भुजाओं को सेम अनुपात, मतलब सेम रेशियो में डिवाइड करती है, तो आपको प्रूफ करना है कि वो जो लाइन है वो थर्ड लाइन के पैरेलल है, मतलब तीसरी भुजा के क्या है, समांतर है। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास ट्रायंगल एबीसी गिवन था, हमारे पास ट्रायंगल एबीसी हमने लिख लिया, ट्रायंगल एबीसी और क्या गिवन था, डिवाइड्स द टू साइड इन द सेम रेशियो, मतलब दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो समान अनुपात क्या हो गया आपके पास, एडी बटे में डीबी बराबर ए बटे में ईसी। तो ये हमें गिवन में आ गया। अब हमने टू प्रूफ क्या करते हैं, इसको गिवन को हम बना लेते हैं इक्वेशन वन, ये हमारे पास हो गई इक्वेशन वन। अब क्या प्रूफ कर रहे हैं, हम प्रूफ कर रहे हैं डीई जो है वो बीसी के समांतर है। तो हम क्या कर लेते हैं, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट करते हैं, सपोज कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो चलिए अब हम लोग कंस्ट्रक्शन में क्या कर लेते हैं, हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये एक और लाइन है जो इसके पैरेलल है, जिसको हम लोग डी एफ या डीई डैश ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में, लेट डीई डैश पैरेलल टू बीसी, ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन से हमने ले लिया कि जो डीई डैश है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। तो चलिए अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका हल। अब अगर ये डीई डैश पैरेलल होगा बीसी के, तो क्या होगा बेटा थेल्स थ्योरम से, एबी बटे में डीबी, अब क्योंकि ये पैरेलल है तो एई डैश बटे में ई डैश सी। तो देयरफॉर बिकॉज़ पहले लिख लेते हैं डीई डैश पैरेलल है बीसी के, समांतर है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारे पास, एबी अपॉन डीबी बराबर एई डैश अपॉन ई डैश सी, ये आपके पास हो गई सेकंड इक्वेशन। तो ये आपके पास गिवन वाली फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। अब हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से। देखिए यहां का AD बटे DB और यहां का AD बटे DB दोनों इक्वल है, आपस में सेम है। अगर ये साइड इसके इक्वल है तो ये साइड इसके इक्वल है, तो देयरफॉर क्या होगा आपके पास, AE अपॉन EC बराबर होगा AE डैश अपॉन E डैश C। तो देयरफॉर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हम लोग क्या लिख लेते हैं, AE अपॉन EC दैट इज इक्वल्स टू AE डैश ओवर E डैश C। ओके, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब हम क्या लिखते हैं, दोनों साइड एक एक ऐड कर लेते हैं। तो क्या लिखते हैं, एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ एक जोड़ने पर। अब क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ एक जोड़ लेते हैं, AE अपॉन EC प्लस वन इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C प्लस वन। तो अब इस प्लस वन का एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम आपके पास EC आ जाएगा, यहां से आपके पास हो गया EC और EC ऊपर गुणा जाएगा, आपके पास हो गया AE प्लस EC दैट इज इक्वल्स टू, अब यहां देखते हैं E डैश C और वन, इसका एलसीएम आपके पास हो जाएगा E डैश C, तो यहां पे आ जाएगा ए ई डैश प्लस ई डैश सी। तो चलिए अब हमने क्या देखना है, अब ये फिगर में आ जाते हैं दोबारा। सबसे पहले देखते हैं ए ई प्लस ई सी, देखिए ए ई यहां से लेके यहां तक है प्लस ई सी यहां से लेके यहां तक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा ए सी बटे में ई सी। अब दूसरा हम लोग देखते हैं दोबारा से, चलिए देखते हैं हम लोग ए ई डैश और ई डैश सी, तो ए ई डैश यहां से लेके यहां तक है प्लस ई डैश सी यहां से लेके यहां तक है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो भी आपके पास पूरी साइड आ जाएगी ए सी। तो इसको क्या लिख लेते हैं हम लोग, ए सी बटे में ई डैश सी, तो दोनों साइड से ए सी कैंसिल, तो आपके पास क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर ई डैश सी इक्वल्स टू ई सी। ठीक है, अब यहां से एक चीज देखने वाली है, देखिए ए डैश सी यहां से लेके यहां तक बराबर EC, तो ये पॉसिबल है, इट इज नॉट पॉसिबल, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकता है, E और E डैश जो है वो डिफरेंट पॉइंट ना होके सेम पॉइंट हो। तो यहां पर लिखेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली
इफ ई डैश एंड ई आर द सेम पॉइंट, तो क्या लिखेंगे, यह तभी संभव है यदि ई डैश और ई समान बिंदु हो, मतलब एक ही बिंदु हो। तो अब अगर ये सेम बिंदु है तो देयरफॉर हमने क्या सपोज किया था, हमने सपोज किया था डीई डैश पैरेलल है बीसी के, तो इसका मतलब देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं डीई पैरेलल है बीसी के, तो हेंस प्रूफ। तो ये आपकी थ्योरम थी जिसमें आपने प्रूफ किया कि जो लाइन है अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो ये पैरेलल होती है थर्ड साइड के। तो ये थी आपके पास कन्वर्स ऑफ बीपीटी, मतलब थ्योरम का विलोम।